चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति का क्या फल रहता है? देखो चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर चार नंबर कर्क राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, ठीक है। तो चतुर्थ भाव में देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो देव गुरु बृहस्पति जहां उनकी दृष्टि पड़ती है वो उस जगह को बहुत अमृत कर देते हैं। यहां तक देखा गया है कि शत्रु भाव पे भी दृष्टि उनकी पड़ती है तो वहां पर भी वो अच्छा करते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर एक आदत होती है प्रकाश देने की। दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक बात और देखिए कि एक देव गुरु बृहस्पति एक प्लेनेट में भी, अगर आप भूगोल में भी पढ़ोगे जुपिटर के बारे में, तो वो सबसे भारी ग्रहों में गिनती आती है। तो जहां ये बैठते हैं तो उस जगह को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई है, चौथे भाव में आपके देव गुरु बृहस्पति है, देखो सबसे पहले जी आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, खास करके अपने चेस्ट का विशेष ध्यान रखना है। आपको कोल्ड और कफ जो आपके शरीर में पैदा करते हैं, ठीक है, उन चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा। हल्का गुनगुना पानी आप जो है रात को सेवन जरूर कीजिएगा, कितनी भी ठंड हो कितनी भी गर्मी हो, ये आप अपना नियम बना लीजिए। दूसरी चीज क्या है, आप अपने पेट को बिल्कुल अच्छा रखेंगे। उसके बाद में यहाँ करना है कि देव गुरु बृहस्पति अगर चौथे भाव में है तो ऐसे में आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का आपको जो है जाप करना है। अगर आप जाप करते हैं तो ये समय आपके लिए वाहन भूमि भवन माँ का सुख सब बढ़ाने वाला होगा। अगर आप जो है भगवान से जाप नहीं करते हैं और सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और आप गलत संगति में जा रहे हैं, ठीक है, और इसके संग संग क्या है कि देव गुरु बृहस्पति कहीं अगर त्रक भाव में बैठे हैं, मान ली बारहवें भाव में अष्टम में या छठे में बैठे हैं, तो यहाँ के परिणाम बड़े अशुभ देखने को भी मिलते हैं। कभी कभी हार्ट में इंजरी होने के पास ऑपरेशन तक से चांसेस हो जाते हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं तो भैया संतान ज्ञान मान सम्मान सुख समृद्धि वैभव सब कुछ देने वाले होते हैं, क्योंकि यहां से बैठ के दृष्टि यहां और लाभ भाव पे दृष्टि पड़ती है, बहुत बढ़िया होते हैं। लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको एक चीज और बता देते हैं कि जैसे जिस चीज का आपको ज्ञान हो गया तो आपके अंदर घमंड आने लगता है, वही घमंड आपको उतार के नीचे लाने वाला होता है। तो सबसे पहली चीज, अगर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है, आपकी देवगुरु बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहली चीज आपने एक बात का गांठ बांध ली है। क्या बांध ली है? गांठ बांध लेनी है कि आपने झुक के सामने वाले को प्रणाम करना है कि अगर आपको किसी प्रकार का घमंड नहीं आना है। अगर आपको किसी व्यवहार का घमंड आता है तो बस आप जो भगवान श्री हरि नारायण के, ठीक है, अवतारों का जिसमें भी आपका रुचि हो उसमें आपका ध्यान कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पंचम भाव में मैंने अक्सर देखा है कि देवगुरु बृहस्पति होने के कारण एक अकड़ एक घमंड, अगर मान ली पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति है और कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति भी अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान से अर्जित धन पे बहुत घमंड हो जाता है। अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो वो व्यक्ति के अंदर घमंड पैदा हो जाता है। अगर सूर्य की स्थिति होती है तो उसको इस बात का घमंड होता है कि मेरी पहुंच बहुत दूर तक है, ठीक है। अगर राहु की स्थिति हो जाती है तो बोले कि जो मुझे मालूम है वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम होता। इन चीजों से यहाँ पे आपको क्या करना है, ये महादशा आपकी बहुत अच्छी आएगी लेकिन आपने घमंड नहीं करना है, ठीक। और साथ ही साथ अपने पेट के सिस्टम को बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। संतान के संग कुछ समय व्यतीत करना है, ठीक है। अपने बड़े भाइयों के संग समय व्यतीत करना है, ठीक है। बड़े बहनों के संग थोड़ा समय व्यतीत करना है, बस ये समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पंचम भाव के लिए रेमेडी क्या है कि आपको क्या करना है कि पीपल को सींचना है। अगर कहीं आप जैसे पश्चिमी देशों में रह रहे हो, विदेशों में रह रहे हो, जहां पीपल के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो आपने क्या करना है, आपने बस एक काम करना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर आपको जाप करना है। कम से कम डेली आपको 11 माला का जाप करना है, ठीक है, अच्छा जाएगा समय। बात करें छठे भाव में, देखो छठे भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन का भाव है, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है आपको यहाँ पर उनकी क्या चीज को एक्टिवेट करना है, कंपटीशन, ज्ञान के कंपटीशन को। तो आपने क्या करना है, जब भी छठे घर से देवगुरु बृहस्पति की महादशा आपकी शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है, वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो जिसको बोलते हैं शास्त्रार्थ, तो आपने क्या करना है, आपने पहला काम करना है आपने अध्ययन करना चालू कर देना है। जैसे गीता का अध्ययन करना चालू कर देना, रामायण का अध्ययन करना चालू कर देना, ठीक है, और भी किताबों का अध्ययन काम चालू करना, यानी कि 24 घंटे का दिन होता है उसमें 24 घंटे में 2 घंटे आपको अध्ययन करना ही करना है। ये कि मान के चलना एज ए सब्जेक्ट, एज ए स्पेशल नॉलेज नहीं, एज ए सब्जेक्ट, ऐसे जैसे हम लोग जो है साइंस है, भूगोल है, ठीक है, जियोग्राफी है और वहां से केमिस्ट्री है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, कॉमर्स है, इस तरीके का अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा आप ये करिएगा। दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर जरा सी भी तकलीफ आपको हो तुरंत आप समय निकाल के डॉक्टर के पास जाइएगा। तीसरी चीज क्या है, किसी भी कंडीशन में आप अपना गोल्ड
कोशिश करिए कि गर्मी ना पड़े। और इसके संग संग आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ की महादशा आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है तो प्रत्येक बृहस्पतिवार भगवान श्री नारायण के मंदिर में केले यानी बनाना डोनेट जरूर कीजिए। घर से निकलने से पहले आप जो है बड़े बुजुर्गों के पैर छू के जरूर निकलिए, महादशा आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और नकारात्मकता आपने निकाल के बाहर फेंक दी, क्योंकि छठा घर क्या मांग रहा है, कम भाई रोग मार रहा है, रिंग मार रहा है, रोग ऋण शत्रु और कॉम्पिटिशन। तो भैया शत्रु के लिए समय चाहिए, समय आपने कहाँ लगा दिया, स्टडी में, ठीक है। और अगर कर्जा है तो कर्जा आपको लेना नहीं है, बचना है, ठीक है। रोग है, ठीक है, रोग के लिए तुरंत ट्रीटमेंट करवाइएगा, ठीक है। और कंपटीशन के लिए इधर तैयार हो जाएगा, तो जब आप इधर तैयार हो जाओगे तो कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, महादशा आपकी अच्छी निकल जाएगी।